जान दे रुक जा भाई, रुक जा, फंस गए तो। हाँ जी फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे आप सब भाई हो? भाई सभी लोग मस्त होंगे अपने घरों में। और भाई अभी मम्मी जी तो करवा रही है ठाकुर जी को स्नान चंदन से। वाह जी वाह, क्या बात है। मम्मी कब कब नहलाते हो? हफ्ते में बस एक बार। क्या करूं? नहीं यार, दो तीन बार तो नहलाया करो बेटा। डेली नहलाने चाहिए, दो तीन बार भी नहीं, हमें तो डेली चाहिए। तो भाई ये देखो कान्हा जी का स्नान हो रहा है अभी चंदन से, और भाई अच्छे से भी इनको मम्मी तैयार कर देगी नहला धुला के। अरे अरे पैरों पे लग रही है भाई, क्या कर रहे हो आप? अलग ही अपना गेम खेलते रहते हो। हाँ देखो ये देखो क्या है। काफी लोग पूछते हैं कान्हा जी के बारे में कि भाई कान्हा जी का कैसे सेवा रखते हो, कैसे इन्हें रखते हो, कैसे क्या। मम्मी थोड़ा बता दो यार। क्या बताऊं बेटा, जैसे अपने बच्चों की सेवा करती है ना माँ, वैसे ही। जैसे मतलब बच्चों को रखते हैं ना कि खाना खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना घुमाना फिराना, हर जगह ही हमारे साथ ही जाते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा जहाँ भी हम जाते हैं घूमने फिरने, तो इनको साथ ही रखते हैं भाई। हम बस अब नहीं लेके गए थे ना, तब हमारी वो काम ही नहीं बना है ना। अपन जब बाबा यहाँ पे ऊपर अरावली जा रहे थे तब हम इन्हें लेकर नहीं गए और हम जा ही नहीं पाए, क्योंकि पीछे से ये फील कर लिया ना इन्होंने कि भाई तुम अकेला छोड़ गए, और तुफी को भी ले गए बल्कि हम सब चले गए और ये ही नहीं गए, अकेले छोड़ गए भाई। कान्हा जी को ना वृंदावन से लाए थे, वृंदावन से लाए थे ना मम्मी? वृंदावन से तो लाए थे बड़े वाले कान्हा जी को। हाँ छोटे वाले कान्हा जी को अपने सुरेंद्र मामा है ना, उनकी बर्तन की शॉप है, बर्तन भंडार है, सोनी बर्तन भंडार। तो वहाँ पे ना कोई मंदिर में से चुरा के और उनको पीतल के भाव बेच गया। सात आठ कान्हा जी थे, कोई चोर था वो। हाँ। मंदिर में से चुरा के और मामा जी की दुकान पे बेच गया। ओ। तो जब तुम छोटे छोटे थे कहते मम्मी जी हम भी रखेंगे, तो जब तुम छोटे छोटे थे ना तब से सेवा ले रखी है मैंने कान्हा जी की। इसी बात पे बोलो श्री बाके बिहारी लाल की जय। तो भाई ये सब ना आप सोचो कि भाई कंटेंट के लिए, अब ये कंटेंट मिल गया जब भाई कान्हा जी अब दिखाने लगे, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। कंटेंट के लिए बहुत पहले से है हमारे पास, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी कमेंट मत करना कि भाई कंटेंट के लिए कर रहे हो, क्योंकि भाई अब जो हमारे घर में होगा मैं तो वही दिखाऊंगा यार। ऐसे तो है नहीं कि भाई कंटेंट के लिए, मैं सिर्फ उनके लिए जो ऐसा बोलते हैं कि भाई कंटेंट के लिए दिखा रहे हो, कंटेंट के लिए दिखा रहे हो, तो कृपा करके ऐसा ना करें भाई प्लीज। भाई आज का ब्रेकफास्ट बिल्कुल नाइस, वेरी नाइस मम्मी यार, इतनी बढ़िया सी थाली सजा देते हो ना यार मम्मी जी। सजाता है सच में, पोहा पेठे की एक नंबर की सब्जी, रोटी और मैंगो शेक, लेकिन इतना ज़्यादा हो गया मम्मी, हैवी है। चलो खा लेता हूँ फिर भी। भाई अभी मैं नहा लिया हूँ और अभी का सीन ये है कि आज जा रहे हैं हम अरावली हिल्स। और भाई आप लोगों ना बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि भाई वहाँ पे ना शेर है चीता है, तो भाई थोड़ा संभल कर रहे ना। तो भाई हमें घर वाले ना बिल्कुल डर गए, मम्मी पापा और कहते हैं कि नहीं जा रहे। तो हमने फिर ये डिसीजन लिया कि भाई एक ना भाई को साथ में लेके जाएंगे, बाउंसर भाई को, वेद भाई को। तो अभी वो थोड़ी देर में आ रहे हैं, तब तक मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ भाई। फाइनली सब लोग हो गए रेडी और हम लोग निकल रहे हैं अरावली हिल्स। और तूफान को भाई इस वाले रूम में बंद कर दिया है, देखो बोल रहे हैं, क्योंकि यार वहाँ पे फिर परेशान हो जाएंगे क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है और दोपहर का टाइम है, अभी 2 बज रहे हैं। चलो भाई रेडी है। हिमांशु भाई ने आज देखो फिर से मेरी शर्ट पहन ली, और ये ना भाई ने डाई कर ली और मैंने चेंज भी कर ली थी, फिर मेरी हो गया। अब तू सही तो हो जाएगा, फिर मैं भी डाल लेता हूँ। ओ एटीट्यूड देखो इसका, एटीट्यूड है भाई। भाई ये ना बहुत ज्यादा रो रहा है और भोग रहा है, तो फिर ना देखना फिर इसे अभी लेकर ही जा रहे हैं, ठीक है। लेकर चल रहे हो आप भी चल रहे हो। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं भाई अरावली हिल्स के लिए, और सभी लोग पीछे बैठे हैं, और आगे बैठे हैं अपने वेद भाई। और वेद भाई हमें भाई बचाने के लिए, बताऊं भाई किससे बचाने के लिए बुलाया आपको? जहाँ पे हम जा रहे हैं ना वहाँ पे लोगों ने कमेंट कर कहा था शेर चीते हैं। तो भाई आप उन पे जब पट्टा मार दोगे ना अगर आ गए तो पक्की बात है। टफी भी है अपने साथ, टफी सबसे पीछे बैठे तूफान, टफी पिछली बार गोपाल जी को हम लेके नहीं गए थे, गोपाल जी हो गए थे नाराज, तो वही गोपाल जी आना चाहते थे तो ले आए हम गोपाल जी को साथ। गाइस फाइनली वो रास्ता आ गया भाई ऊपर जाने वाला, और यहाँ से ऊपर लेकर जानी है गाड़ी, पता नहीं पहुंच पाएगी या फिर नहीं। अभी वेद भाई और हिमांशु जा रहे हैं, ये ले देख क्या भाई साफ है ना रास्ता। लो भाई यहीं से हम वापस चले गए थे कल और आज देखने जा रहे हैं, पूरी ऑफ रोडिंग है ना। तो भाई यहाँ पे बोल रहे थे चीता वगैरह है, शेर वगैरह, यहाँ से कहीं से भी आ सकता है। मैं भाग लेता हूँ, पीछे रह गया मैं सबसे, यहाँ से हम आए हैं भाई। यहाँ पे मेरे को लग रहा है शेर है शायद भाई, चीता। भैया जल्दी आओ, चीता आओ भैया जल्दी। भैया को डरा दिया भाई,
सुन पता क्या ऐसे, एक साइड तो ऐसे ऊपर है और एक साइड नीचे है, मतलब ऐसे होगी टेडी एक साइड है, कालो है ये। देखो उस बंदों से पूछ रहे हैं चली जाएगी, इन्हें पता होता है भाई लोग चली तो जाएगी आराम से, लेके चलियो ठीक है। मम्मा और बैठे रहे, मम्मा बैठी है, तुम तो तुम पैदल ही चलो। आने दे भाई, आने दे आने दे आने दे आने दे, क्या कर रहे है भाई, रेस दे चढ़ी नी से तेज, पेल 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 आजा 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 भाई, यहाँ पे दिक्कत आएगी थोड़ी सी, इधर दिक्कत आएगी भाई। ओ गई पीछे तो, ओ भाई साहब कैसी आवाज आ रही है, अटक गई भाई, फंस गई हो भाई। ये यहाँ का ना वो ऐसे है ऊपर नीचे ऐसे, पीछे लो थोड़ी सी पीछे कर, इधर घुमाना है, इस साइड घुमा, इस साइड थोड़ी सी जाने दो, पीछे जाने दो अभी, रुक जा भाई रुक जा, फंस गई है तो एक बार पीछे ले और पीछे ले। ओ भाई साहब यार सही जा रही थी, पीछे मत जाने दे, चल ऐसी पानी छोड़ दिया, पानी गिर क्या गया, ये पानी कैसे निकल गया पानी ऐसे नहीं ऐसे पूरी भाई, पानी पानी निकल रहा है, डीजल डीजल तो निकल गया, नहीं पानी है। राहुल भाई फोर व्हील में चढ़ेगी, टू व्हील में निकलेगी, क्योंकि चढ़ेगी नहीं रिस्क वाली बात है। तो भाई यहाँ पे हमारी कार फंस गई, ऊपर नहीं जा पा रही, यहाँ खड्डे खड्डे हैं, आराम से लियो भाई, अब दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा हमें। एसी का पानी तो निकल गया, एक बार साइड में लगा के चेक कर, ऊपर चढ़ी नहीं पाई है, पानी निकल रहा है कार में से, पता नहीं कैसे। 4x4 जा सकती है अपनी, 4x2 है, 4x4 ये निकल रहा है, ये देखना एक बार, यहां से निकल रहा है, ये तो बहुत सारा पानी निकल रहा है, रेड रेड। यहाँ पे अभी शायद दूसरा रास्ता बताया, तो वहीं से मेरे ख्याल से निकलेंगे। और तू फेरा गुडी, आप बैठ जाओ आराम से, ठीक हो ना, बैठ जाओ आराम से, लव यू अभी भाई ये दो भाई मिले हैं, इनके पास पिकअप है और ये हमारी हेल्प कर रहे हैं, बहुत ही सारा पानी निकल रहा है, लाल लाल से रंग का, देखना अब तो नहीं निकल रहा, ये अब भी निकल रहा है, निकल रहा है अब भी, कोई फायदा नहीं है, देखा पास गई भी यहाँ, अब इसलिए ना ये पानी कहाँ से निकलने का तो मिस्त्री को दिखाएगा फिर, अब क्या ऊपर पहले मिस्त्री को तो बेटा चढ़ जाती, ठीक है ना, कितना बेकार रास्ता है, बिल्कुल टेढ़ा है रास्ता ये। चलो भाई फिर अब यही करते हैं कि अभी जाते हैं अपना पहले मिस्त्री को दिखाते हैं, मेरे को लग रहा है आज भी नहीं जा पाएंगे। तो भाई अभी वापस जा रहे हैं मिस्त्री को दिखाने के लिए गाड़ी, पहले भी वापस गए थे, आज भी हमें वापस जाना पड़ रहा है, पता नहीं यहाँ पर हम मंजिल पे पहुँच पाएंगे या फिर नहीं। अभी लेके आए हैं वर्कशॉप पे भाई, देखते हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं गाड़ी में, और ना एसी बंद हो गई, जब मतलब हम आ रहे थे रास्ते में ना एसी बिल्कुल भी हवा नहीं कर रहा था अच्छी, और यहाँ पे कोई लाइट भी आ रही थी, कोई लाइट आ रही है, जो लाइट दिखाई अब तो खत्म होगी भाई, यहाँ पे ना एफ की लाइट आ रही थी, आज भी नहीं पहुँच पाए ना, आप घर पे रहते तो बढ़िया था, देख इसने इतने प्यारे प्यारे कहाँ पे जाओगे, कूलेंट खराब हो गया है और मतलब वो लीक कर रहे हैं उस वजह से, और कह रहे हैं कि अभी कहीं नहीं ले जा सकते, अगर लेकर गए ना तो गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। तो अभी घर पे जा रहा हूँ, आइटन उठाऊंगा मम्मी और को यहाँ से लेके जाऊंगा और फिर सबको घर पे छोड़ूंगा। ओ भाई ये भैया अभी हमें घर पे छोड़ के आ रहे हैं, चलो भैया चले तुफी सेंटर है भैया, ये हमारी सबसे पहली गाड़ी सेंटर ही थी ना, पापा जी ने ली थी। अभी हम पहुंच गए हैं घर पे भाई अपना वापस, और वेद भाई जी जा रहे हैं भाई, तो भाई मिल गया अच्छा लगा, मेरे ख्याल से हमारी मुलाकात ही थी बस ये, हाँ, है ना, हाँ, बस काम के लिए नया, मुलाकात के लिए आए हो, बहुत दिनों बाद, चलो भाई मिलते फिर, सी यू। मेरी सॉक्स लेकर बैठे हैं, हटो सॉक्स दे दो, है लड़ोगे, गुड बाय गुड बाय, नाउ नाउ। ओ भाई साहब देखना सारी फाड़ दी सॉक्स, क्या हाल कर दिया भाई साहब सॉक्स का। तो भाई अभी ना पापा जी का फोन आया कि कार की सर्विस भाई हो गई है, पूरी सर्विस भी करवा ली और जो कूलेंट खराब था वो भी करवा लिया, अभी वॉशिंग हो रही है,
तो पापा कह रहे तू आ जा, और अभी मैं जा रहा हूँ बाइक लेके, क्योंकि पापा जी को भाई स्कॉर्पियो चलानी नहीं आती मेरी अपनी बाइक, और आज काफी दिनों बाद राइड करने वाला हूँ मैं। बहुत पुराना मॉडल है, मतलब जब अपाचे आई ही थी ना तब भी पापा ने सरप्राइज दिया था, और देखो कितनी चल चुकी है, 2,80,000 चल चुकी है ये। पापा जी सुबह से बैठे हैं, सुबह से नहीं मतलब दोपहर से 2:30 बजे से, और 6:30 बज गए, थक गए हैं। अभी भाई स्कॉर्पियो की वॉशिंग हो रही है, बाकी सब काम हो गया है। तो भाई अभी अपनी ब्लैक ब्यूटी नहा ली है बढ़िया तरीके से, और देखो भाई बाकी सुबह बढ़िया दिखी कि अभी शाम हो रही है तो बढ़िया नहीं आ रही। सब काम हो गया भाई, कूलेंट सा टूट गया था वही ठीक करवाया, वो हो गया डन। मेरे को लग रहा है नजर ना लग गई हो किसी की, तो नजर भी उतार लेंगे, पर फिलहाल चलते हैं घर पे। गाइस अभी पहुंच गए हैं भाई घर पे, और अभी आके चेंज वेंज किया है आज ना भाई, पूरा थकान वाला दिन देख लो, स्ट्रगल कितना ज्यादा हो रहा है। आज भी अरावली पहाड़ी पर नहीं चढ़ पाए, देखो अब हम जाते ही नहीं भाई वहाँ पे, हमने सोच लिया स्कॉर्पियो का रिव्यू करने के लिए गए थे, पर अब हम और कोई लोकेशन देख लेंगे भाई आसपास ही कहीं पे, तो वहाँ पे करके जल्दी से डाल देंगे, अब आप लोगों को भी इतना ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे। और ये भाई साहब अपना खाते पीते रहते हैं, मौज लेते हैं, है बढ़िया है ना जिंदगी में, बस तू मौज ही लिया अच्छी काटने हैं भाई, वेरी गुड। अभी खा रहे हैं भाई खिचड़ी, आज मम्मी जी ने खिचड़ी बनाई है बहुत दिन के बाद, तो जल्दी से खा लेते हैं। हिमांशु का डिनर देख लो, और फिर हाँ तो तू भी रहे भाई, बढ़िया भाई, मंगाया जा पिज्जा मंगा रहे भाई, अब मंगाएगा तो फिर हम भी खाएंगे। मम्मी अपना पूरी सॉस सास डाल के, मम्मी ज्यादा सॉस हो जाएगी। तो भाई हम जल्दी से खा लेते हैं, उसके बाद सोएंगे, इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। ओके टूफी बाय बाय कर दो, कैसे देख रहा है यार, खिला दो उसको थोड़ा सा, थोड़ा सा खिला देते हैं यार, गंदा है भाई, इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल दिया ना, चलो रहने दो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय भोलेनाथ बाबा।